नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल माँ जगदम्बा फ्लैक्स में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर फ्लैक्स का डिजाइन करने जा रहा हूँ, जो ये पब्लिक स्कूल का है। हम तो अभी तक अपने चैनल पर कोई भी स्कूल का भी डिजाइन नहीं, कोचिंग संस्थान का डिजाइन हमने अपलोड किया था। आज हमने सोचा कि क्या बोलते हैं, एक आज जैसे एक प्राइवेट स्कूल का एक डिजाइन करके दिखा दे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहे थे कि सर प्राइवेट स्कूल का डिजाइन करके दिखाइए। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल के बैनर का कैसे डिजाइन करते हैं वो करके दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। दोस्तों, जो भी मेरा आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बिना स्किप किए देखिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। अगर इसको स्किप करके आप देखते हैं तो फायदा वायदा होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आप वीडियो के ऊपर अभी ही बंद कर दीजिए अगर स्किप करके देखना चाहते हैं तो, नहीं तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। ये ऐसा बिजनेस है कि आप कम लागत लगा के दोस्तों महीने के 50,000-60,000 कमा सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग है तो, ठीक है दोस्तों। अगर आप क्या बोलते हैं, कम पूंजी लगा के आप एक सिस्टम रख के अपने घर पे बैठे बैठे किसी कोचिंग संस्थान का डिजाइन पकड़ लीजिए, किसी स्कूल का टाइपिंग पकड़ लीजिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप रोज 500, 700, 2,000, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आप 5,000-7,000 कमा सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं कि नहीं? हम ये समझाने जा रहा हूँ आपको, इसलिए समझाने जा रहा हूँ कि जो हम भी एक नीचे से उठे हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत कम लागत में बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और बहुत इसमें इज्जत भी मिलेगा आपको दोस्तों, समझ रहे हैं बात। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोस्तों, जो भी आप काम करते हैं ध्यानपूर्वक इसको कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये दोस्तों देखिए, हमने एक डिजाइन किए हैं। ये हमारे सर आए थे आज, बोले कि आज मेरे स्कूल का डिजाइन करना है। देखिए दोस्तों, ये है, इसमें कुछ नहीं, वेरी सिंपल डिजाइन है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग कहिएगा कि इसमें बहुत इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसमें टाइम ना वेस्ट होगा और ना भारी है दोस्तों, ठीक है। बस ऐसे ध्यानपूर्वक देखिए और ये डिजाइन बहुत ही आसान है। हमने दोस्तों डिजाइन बनाने से पहले एक बात का बार बार चर्चा करता हूँ कि कोई भी डिजाइन दोस्तों आप कर रहे हैं तो पहले आप साइज कि माने अगला क्या साइज बोल रहा है और किस साइज में हमको बनाना है दोस्तों, ठीक है। पहला काम करेंगे डिजाइन बनाने से पहले कि हम साइज मेंशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आज सर आए थे और मुझे बोले कि 5x2.5 फीट का मुझे डिजाइन चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले 5x2.5 का एक पेज बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये पेज बनाने माने चले कि A4 लेटर साइज का पेज बनाए, ठीक है। अगर आपको फीट में चाहिए तो फीट में डिजाइन बनाइए, या तो इंच में चाहिए तो इंच में आप डिजाइन बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में डिजाइन बनाते हैं। अगर 5x2.5 फीट का कोई डिजाइन करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो इसको इंच में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। इंच में कन्वर्ट करना वेरी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, जो एक फीट में दोस्तों 12 इंच होता है, ठीक है, और 5 फीट है तो 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 इंच हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 60 इंच कर दिए, ठीक है। और ढाई फीट के मतलब होता है कि 12 फीट यानी 12 दूनी 24, और 24 के आधार 6 24 6 30, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने 30 कर दिए, ठीक है। ये बन गया साइज 5x2.5 का। नहीं विश्वास हो तो आप यहाँ जाके आप फिट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिट सेलेक्ट जैसे कीजिएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 5x2.5 दिख गया, ठीक है दोस्तों। ये दिखने के बाद ये हमारा पेज बन गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा काम क्या करना है, पेज बनने के बाद पेज पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने का दो तरीका है दोस्तों, ठीक है। आज हम आपको डिटेल्स में समझाने जा रहा हूँ रेक्टेंगल लेने का दो तरीका। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके और इस पेज के अकॉर्डिंग इसको ऐसे घिस सकते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा और ये आपका रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये करने के बाद क्या करेंगे, ये कलर का हमने 2-3 कलर मिक्स किए दोस्तों, ठीक है। ये कलर कैसे मिक्स करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक चीज ध्यानपूर्वक देखिएगा तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। वीडियो का स्किप कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए, हमने 2 कलर मिक्स किए हुए हैं। ये 2 कलर कैसे मिक्स करेंगे, ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमने इसके पावर क्लिप के भी अंदर ले गए हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखिए, वेरी सिंपल ये सब ले जाना। देख लीजिए क्या करेंगे दोस्तों, पहला काम तो करेंगे हम, जो बैकग्राउंड बनाए हुए वो बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ग्रीन कलर फिल कर देंगे, ठीक है।
ग्रीन में क्या किए हुए दोस्तों, हमने ब्लैक ये ग्रीन डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन की तरफ हमने ले गए हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और शॉर्टकट कमांड F11 प्रेस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, हमने F11 प्रेस कर दिए। F11 प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ है क्या करेंगे, इसमें ब्लैक कलर मिक्स करेंगे ना दोस्तों ग्रीन में, तो ये डार्क हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ग्रीन कलर बना हुआ है, इसमें क्या करेंगे हम 50% इसमें ब्लैक मिक्स कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हो अपने, और इससे ज़्यादा आपको डार्क करना है तो आप 70% मिक्स कर दीजिए ब्लैक, ठीक है दोस्तों। हमने मिक्स कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे, ग्रीन कलर सेट इसमें हम सेलेक्ट कर लिए और क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने बन के आ गया, क्या हो गया कि डार्क ग्रीन के साथ लाइट ग्रीन का सेट बन के आ गया, ठीक है। हमने ये काम कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये सर हमको ना लोगो पहले से बना रखे थे, ये लोगो डिजाइन उनका हुआ पड़ा था, तो हमने डिजाइन नहीं किया इस लोगो को, कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इस लोगो का डिजाइन करके दिखा देंगे। और आप लोग का कमेंट रहेगा सर कैसे डिजाइन करेंगे लोगो का, तो लोगो का सब ने हमको पहले से डिजाइन करके दिए हुए थे। लोगो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लगता है, क्योंकि सोच के बनाया जाता है लोगो कि कहाँ पर क्या देना है, कैसे देना नहीं देना। सर ने बना रखे पहले लोगो हमको दिए हैं, हमने क्या किया दोस्तों, उसके वो हमको व्हाट्सएप भेजे, तो वहाँ से हमको डाउनलोड करके और कोरल में खींच के ऐसे ले आते हैं ड्रैग करके, ठीक है। हमने ड्रैग करके ला के क्या किए, इस साइड में इसको हमने सेट कर दिए, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको, और उसके बाद क्या लिखे हुए, आइडियल पब्लिक स्कूल लिखे हुए, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे टाइप कर लेंगे, इसमें टाइप करेंगे ये यहाँ से व्हाइट कलर फिल कर लेंगे, ठीक है। इसमें टाइप करेंगे दोस्तों, क्या टाइप करेंगे, आइडियल पब्लिक स्कूल, ये कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, आइडियल PUBLIC SCHOOL, ठीक है दोस्तों। इसको सेट करना है, इसको सेट करने के लिए हमने तो एक साथ इसको सेट कर दिए, यहाँ पर देखिए सब अलग अलग हुआ पड़ा है, हमने एक साथ इसको टाइप कर लिया। इसको अलग अलग कैसे करेंगे दोस्तों, करना वेरी सिंपल है। पहले यहाँ पे फॉन्ट लगा लीजिए, हमने फॉन्ट लगा रखे इसमें कौन सा, ये स्यूस लगा रखे, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर क्लिक करके और ये फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे स्विस फॉन्ट लगा दीजिए, SWI आ गया ये स्विस, इसमें आप स्विस फॉन्ट लगा दिए। इसको कंट्रोल के करने से क्या होगा दोस्तों, ये लेटर है ना, ये एक साथ है, कंट्रोल के कीजिएगा तो लेटर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमने यहाँ से कंट्रोल के कर दिए, देख लीजिए दोस्तों सब अलग अलग हो गया। इसको क्या करेंगे, उठा उठा के इसको हम शिफ्ट कर लेंगे, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यहाँ से गाइडलाइन ले लीजिए। गाइडलाइन से क्या होता है, क्योंकि जो जितना बड़ा लोगो है उस हिसाब से आप इसको इसमें सेट कर सकते हैं। बड़ा छोटा कर दीजिएगा दोस्तों, तो देखिए अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो थोड़ा सा भद्दा दिखने में लगता है। क्या करेंगे, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग इसमें इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये गाइडलाइन जहाँ तक आया हुआ है, हम वहाँ से तक यहाँ तक आया हुआ, हमने यहाँ तक क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद ये हमने एक यहाँ कर दिए, और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमने ब्लैक का इसके हल्का सा ब्लैक का सेट दिए हुए हैं इस पर, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा ब्लैक का सेट कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें प्लस प्रेस करेंगे, टेक्स्ट पर सेलेक्ट करके प्लस प्रेस कर दिए और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिए और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, देख लीजिए सुना रहा है। और व्हाइट वाला सेट को क्या करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर देंगे, ये ऊपर आ गया। वेरी सिंपल है दोस्तों, डिजाइन बनाना वेरी सिंपल है, बसरते आप ध्यानपूर्वक इस पर लगन से और ध्यानपूर्वक वर्क करोगे तभी आपके लिए ईजी है। अगर आप कहिएगा कि आज कर लिए कल छोड़ देंगे परसों करेंगे, इसे क्या होगा, जो आप सीखे हैं वो भी भूल जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम रोज डेली आपको ये क्लास देते हैं दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए। आशा करते हैं कि आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगा, और पूर्ण जानकारी मिलने के बाद आप 50-60 हज़ार कमाना आपके लिए ईजी हो जाएगा दोस्तों पर मंथ, समझ रहे हैं बात। आप ध्यानपूर्वक देखिए उसको, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पब्लिक को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, छोटा है। इसको हमने यहाँ सेट कर दिया, इसको यहाँ सेट कर दिया। वो आपके ऊपर है कि किस हिसाब से आप सेटिंग करना है, कहाँ पे आपको सुंदर लग रहा है, कैसे आपको सर बोल रहे हैं सेट करने के लिए, अगला कस्टमर आपको कैसे कह रहे हैं, उस हिसाब को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डुप्लीकेट करके ब्लैक कर लिए और यहाँ पर फिर वही काम कर दिया, शिफ्ट पेज अप कर दिए, ठीक है दोस्तों। हमने दो काम कर दिए, फिर पब्लिक के बाद भी क्या स्कूल का भी यही काम करेंगे। यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिए, और शिफ्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पे इसको ब्लैक कर देंगे, इसको शिफ्ट पेज अप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने कर दिया, इसको क्या करेंगे, इसको हल्का सा छोटा कर दीजिए। हमने यहाँ तक क्या किया, इसको हल्का सा छोटा कर दिया। छोटा करने के पहचान, अब क्या करेंगे दोस्तों,
ये हमने क्या किया, एडमिशन इज गोइंग ऑन का लोग हमने ऊपर से क्या किए थे दोस्तों, नेट पर से ये ले लिए थे, ठीक है। और इसमें सर बोले थे कि एडमिशन इज गोइंग ऑन लिखना है, तो हमने क्या किए थे यहाँ पे देखिए, ये हमने इसको अपने तरीका से बना भी दिए थे। देखिए पहले इसमें नेट से लिए थे तो ऐसा, ठीक है। और इसमें हमको लिखना था, इसमें लिखा था स्कूल एडमिशन ओपन, ठीक है। लेकिन सर का कहना था कि इसमें हमको लिखना है एडमिशन इज गोइंग ऑन, सेशन लिखना भी है 2023-24, तो उसको हम क्या कर दिए थे, ये यहाँ से हमने रेक्टेंगल टू सिलेक्ट किए और इस पर हमने क्लिक कर दिए और क्या किया, इसको हमको ढक देना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ से ये टू सिलेक्ट करने के बाद ये और शिफ्ट के साथ ये, ठीक है, दोनों नोट्स पर क्लिक करने के बाद इसको हमने यहाँ से ये कर दिए और इसमें क्या करें, येल्लो कलर फिल कर दिया। येल्लो क्या करना है, मजेंटा के साथ डार्क कर देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने 20% मजेंटा मिला दी और इसको हमने डार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ से नन कर दिए। इसके बाद क्या करना है, दूसरा काम ये शेप बनाना है, वेरी सिंपल है दोस्तों, शेप बनाना है। देखते सिर्फ आप ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये शेड ले लिया है और क्या करना है, यहाँ पे ये टूल्स लेने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हमने क्लिक कर दिए और इसको यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ ले आए और इसको भी सेम यही करेंगे, क्या करेंगे डबल क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है दोस्तों। यही कलर हमको सेम कलर चाहिए था, यहाँ पे पिक टूल है, यहाँ से हमने पिक कर लिए और इसको क्या करेंगे, ये दूसरा वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और इसमें फिल कर देंगे, हो गया फिर। ये तरीका है दोस्तों, और कोई बंदा आपको बोले जबरदस्ती हमको सेम टू सेम कलर चाहिए तो वहाँ से पिक कर दीजिए और वहाँ से फिल कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, आपको वही कलर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम एक शेप बनाएंगे, शेप हमने बना लिए। शेप बनाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, F10 क्लिक करेंगे या तो ये टूल सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये इसको क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे भी ये नोट्स बना लेंगे और तब डिलीट करेंगे, ये बन गया, ये भी बन गया, ओ सॉरी, यहाँ पे ये नोट्स जहाँ पर से हमको तोड़ना है वहाँ पर नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें हम ये वाला कलर फिल करना है तो यहाँ से हम ले जाके यहाँ पर ये कलर फिल कर सकते हैं। ये करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, ये सेट बन गया। और इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको एडमिशन इज गोइंग ऑन आपको टाइप करके इसमें डाल देना है, ये तो वेरी इजी है, आप इसमें डाल दीजिए एडमिशन, ये हमने डाल दिया एडमिशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इज गोइंग ऑन इसमें ये डाल दीजिए, जो डालना चाहते हैं दोस्तों डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेशन लिखना है, यहाँ पर सेशन, ठीक है। और सेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको इस कोने में फिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर सेट कर दिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग क्या बड़ा करना है क्या छोटा करना है ये डिजाइनर को देखना होता है कि क्या सही लगेगा देखने में, क्योंकि कहीं पर जो बैनर लगेगा तो जिसका बैनर नहीं है उससे ज़्यादा बेइज्जती आपको फील होगा, क्योंकि आपने डिजाइन गलत बना के दिए, समझ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप ध्यान कीजिए कि किस टाइप के हम दूसरा को डिजाइन करके देंगे कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और क्या बोलते हैं मेरा लुक बनेगा, तो और दूसरा भी कस्टमर देखेंगे तो मेरे पास आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सेट बनाना है, ये सेट वेरी सिंपल बनाना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ये फिल कर देंगे, उस पर व्हाइट कलर फिल कर देंगे, ठीक है। ये कलर करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ से क्या करेंगे, ये हमने फिल कर दिए और इसको क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद ये यहाँ कर दिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे यहाँ ऐसे कर दिए, उसके बाद इसको छोटा कर देंगे। और इसमें क्या करना है दोस्तों, क्लास नर्सरी टू टेंथ लिखना है, तो आप इसको टाइप करके यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, क्लास नर्सरी टू टेंथ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिए। और उसके बाद दूसरा भी क्या है, दूसरा में CBSE करिकुलम लिखना है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, CBSE CUR करिकुलम का स्पेलिंग देख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम भी उतना पढ़े लिखे नहीं है, CUR ICULUM, ठीक है, लिख दिया हमने, टाइप कर दिए। इसको चाहिएगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, डिजाइन सही लगने के, या तो सेम टू सेम भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है, आप अपने हिसाब से करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस आप क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल्स ले लीजिए, हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल्स ले लिए, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये रेड कलर फिल कर देंगे, ये आँख पे लगता है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको डुप्लीकेट करके एक वाइट कलर का बॉक्स बना लेंगे और रेड वाला को पेज अप कर देंगे, ठीक है दोस्तों,
ये करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस कोने से शिफ्ट कर देंगे दोस्तों, हमने यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया। ये करने के बाद क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है लोकेशन का लोगो है दोस्तों, गूगल पे आप जाइएगा, लिखेगा लोकेशन लोगो, आपको लोकेशन का लोगो आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, कोरल में ला के यहाँ पर लोकेशन का लोगो सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसका एड्रेस हॉस्पिटल रोड सिंगवारा, आप यहाँ हॉस्पिटल रोड सिंगवारा सेट कर दीजिए, इसको यहाँ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको पेज अप कर दीजिए, हमने टैप कर दिया यहाँ पे, हमने इसको क्या किया सेट कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए नेट पर से हम ये पिक्चर लिए हुए हैं स्टूडेंट का, ठीक है, क्या किए हुए हैं स्टूडेंट का पिक्चर लिए हुए हैं, ये पिक्चर हमने डाउनलोड करके ले आए। हमको ऐसा शेप बनाना है दोस्तों, ये शेप बनाना वेरी सिंपल है, आपको लगता होगा बहुत ही फास्ट है, ये वेरी सिंपल है दोस्तों शेप बनाना। शेप कैसे बनाते हैं देख लीजिए, क्या करेंगे दोस्तों आप, ये करने के लिए क्या करेंगे, पहले पहला काम करेंगे इसको रेक्टेंगल, इसको हल्का सा छोटा कर लीजिए, क्योंकि शेप बनाने के दिखाने में आपको थोड़ा हमको थोड़ा सा आसानी होगा। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से रेक्टेंगल टूल्स ले लेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया रेक्टेंगल टूल्स ले लिए, ठीक है। टूल्स लेने के बाद आपको डिजाइन में दिखे इस चक्कर में क्या करना, आपको एक व्हाइट कलर का फिल कर लेना, बाद में आप रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, जो आप इच्छा करें वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, ये टूल्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कंट्रोल क्यू करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दो तीन नोट्स बना लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ नोट्स बनाए, हमने यहाँ नोट्स बना लिए, ठीक है। बनाने के बाद क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, इसको जैसे घुमाना है ऐसे आप घुमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी जैसे घुमाना है आप यहाँ पे टूल्स लेके हम इसको घुमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम घुमाएं वैसे घुमाना है, आप अपने अकॉर्डिंग घुमा दीजिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके आप इसको क्या कर सकते हैं ऐसे घुमा दीजिए, जिस टाइप को आप घुमाना चाहते हैं, जो आपको जो सर को बढ़िया लगे उस टाइप को आप घुमा दीजिए। ये नोट्स को ही बड़ा भी कर सकते हैं, इसको ही छोटा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि किस टाइप का सर को डिजाइन बढ़िया लगेगा उस टाइप को आप करके दे सकते हैं। ये करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट करके व्हाइट कलर का फिल कर लेंगे, ठीक है, इसको ऊपर पीजअप कर देंगे। क्या करेंगे अब, इस पिक्चर्स को इसमें पावर क्लिप करना है दोस्तों, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से पावर क्लिप, पावर क्लिप करने का दो शॉर्टकट कमांड है, एक तो है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे करके Alt-C-W-P करके यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये शिफ्ट कर दिए। और क्या, ये शिफ्ट होने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से आउटलाइन इसको नन कर दिए, नन करने के बाद ये आपका डिजाइन ओके हो गया। अब चारों तरफ आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद इसको शिफ्ट पेज अप कर देंगे और इसको यहाँ से आउटलाइन का थिकनेस बढ़ा देंगे और इसको रेड कर देंगे, राइट क्लिक करके, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हुआ, डिजाइन बन के रेडी हो गया दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसका वेबसाइट दिए हुए हैं दोस्तों, आप टाइप करके मोबाइल नंबर वेबसाइट यहाँ पर सर का दे दीजिए, ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे हम सेव कर दिया। ये करने के बाद ये आपका डिजाइन क्या हो गया दोस्तों, ये डिजाइन आपका ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डिजाइनिंग करने वक्त खास करके आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कमेंट पे, अगर बाय द वे हम बिजी रहे कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि भैया आप ऐसे किए सर वैसे किए हैं, आप पूछिए, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे दोस्तों, बेहिचक आप मेरे से बात करके आप पूछ सकते हैं। प्रिंटिंग रिलेटेड आपको कोई परेशानी है या तो क्या बोलते हैं प्रिंट निकालने में परेशानी है, डिजाइनिंग रिलेटेड परेशानी है, तो आपको मेरे से आप कॉन्टैक्ट करके आप संपर्क करके आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे हम दोस्तों, ठीक है, तब तक धन्यवाद।